देखते हैं कि अगर हमें जगह मिल जाती है, लेकिन आप लेट हो गए हैं और मुझे लगता है वो खत्म होने वाली है। वो देखे उधर हो रही है, मुझे लगता है उसी साइड पे, उसी साइड पे ही चलते हैं। दूर दूर तक देखो कितना रश है। गाइस आज हम आए हुए फेस्टिवल पे। ड्वानवो जी ये फेस्टिवल होता है जो कि एक पोइट, चाइना का एक पोइट था जिसका नाम छु युआन था। पोइट होने के अलावा वो बादशाह का वजीर भी था और वो अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता था। वो बादशाह को अक्सर सही मशवरे दिया करता था, लेकिन एक मशवरे पे बादशाह को लगा कि वो गद्दार है, इसलिए बादशाह ने उसको सज़ा दे दी। लेकिन कुछ अरसे बाद उस मुल्क पे, उस इलाके पे दुश्मनों ने कब्ज़ा कर लिया और छु युआन को लगा कि मैं अपने मुल्क को नहीं बचा सका, उसने दरिया में जाके छलांग लगा दी। उस पोइट की याद में तकरीबन 2000 साल से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो गाइस आपको भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बनाते हैं। ये ड्वानवो जी की स्पेशल डिश है चशी शमा ज़ोंग्स। ये खाना होता है, इसके अंदर ये देखिए चावल भी नजर आ रहे हैं। ये चाइनीज स्पेशल फूड बैम्बू लीव्स और राइस से बनती है। इस फूड का कॉन्सेप्ट ये है कि उस टाइम इसी तरह चावल वगैरह उन लोगों ने दरिया में फेंके ताकि दरिया में मौजूद कोई जानवर या मछली वगैरह इन चावलों को खाएं और वो अपने पोइट के बॉडी को वहाँ हासिल कर लें ताकि पोइट की बॉडी ना सेव रह सके। फ्रेंड्स ये तो थी इनकी सेकंड ट्रेडिशन इस दिन की। तो स्टोरी तो बहुत ज़्यादा सैड थी, लेकिन हमें यहाँ से लेसन एक अच्छा मिलता है कि अपने कंट्री से प्यार मोहब्बत करना चाहिए और जो हमारी कंट्री के लिए वफादार होता है हमें भी उसके कदर कर लेनी चाहिए। और गाइस ये सारे चाइनीज़ ना एक हर्ब होती है जिसको आईसॉ या मगवट कहते हैं। ये लोग ये ख़रीदते हैं और अपने घर के मेन गेट के बाहर रखते हैं। इसका मकसद ये होता है कि इसकी एक स्पेशल किस्म की फ्रेगरेंस होती है और वो इनके घर में कोई बलाएँ, बदरुएँ, बदनज़र इंसेक्ट्स जैसे कि सांप वगैरह बहुत सारी चीज़ों को इनके घर में आने से ये रोकती है। ये चाइनीज़ का बिलीफ है। गाइस ये आईसॉ खरीद रही है ये वाली कस्टमर और ये उसने खरीद लिया है। ये खरीदा या मुफ्त में? नहीं नहीं यार खरीदा, क्योंकि ये यहाँ से वीचैट पे करना, वो पैसे दे रही है और वो लेना नहीं चाहती। ओ वो उसकी फ्रेंड है, वो पैसे देना चाहती है, वो लेना नहीं चाहती। दिनों में चाइनीज़ स्पेशल किस्म का पाउडर पाउच में रखते हैं और वो बच्चों के बैग में रख देते हैं। उनका बिलीव है कि बच्चे इससे बीमारियों से, बुरी नज़र से और बहुत सारी बुरी चीज़ों से सेफ रहेंगे। ये फेस्टिवल चाइनीज़ कैलेंडर के मुताबिक तकरीबन हर साल फिफ्थ मंथ के फिफ्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इन 2023 दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन 22nd जून एंड आई एम लकी कि आई एम अटेंडिंग दिस फेस्टिवल इन चाइना। 85 比赛现在开始。
अच्छा है। Guys, if you enjoy this video, please like, share, and subscribe. Bye bye. Love you.